जी मसीह के कुदरत भरे नाम में आप सबको सलाम। एक दफा फिर खुदा का खादिम की सरवर सेमल आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आइए रब के कलाम में से अपनी हिदायत के लिए रहनुमाई के लिए हवाला सुन लें। आज एक हवाला है वाइज की किताब में से बाब नंबर 9 आयत नंबर 13 से 18, बुक ऑफ एक्लेसियास्टीस चैप्टर 9 वर्सेस फ्रॉम 13 to 18। इसी एक तलावत को हम दो जुबानों में, पहले उर्दू में और बाद में पंजाबी में सुनेंगे। आज हमारे प्यारे भाई सैमसन सैमुअल खुदा के कलाम की खिदमत करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सारे बरकत पाएंगे। इसी हवाला को पढ़ने के लिए, उर्दू में पढ़ने के लिए, मैं मिसेज कौशल डेविड से दरख्वास्त करूँगा वो सामने तशरीफ लाएँ और इस हवाला को पढ़ने की बरकत हासिल करें और आप सब इसको सुनने की बरकत हासिल करें। हवाला फिर सुन लीजिए, वाइज की किताब बाब नंबर 9 आयत नंबर 13 से 18। लेट मी रिपीट द रेफरेंस इन इंग्लिश एज़ वेल, बुक ऑफ एक्लेसियास्टीस चैप्टर 19 वर्सेस फ्रॉम 13 to 18। गुड आफ्टरनून एवरीवन, हम अपनी नसीहत के लिए आज देखेंगे वाइज की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 13 आयत से 18 तक, जिसमें यूं दर्ज है वाइज चैप्टर 9 वर्स 13 to 18, जिसमें यूं लिखा है, हिकमत और हमाकत पर ख्यालात। मैंने ये भी देखा कि दुनिया में हिकमत है और मुझे बड़ी चीज मालूम हुई। एक छोटा शहर था और उसमें थोड़े से लोग थे। उस पर एक बड़ा बादशाह चढ़ आया और उसका महासरा किया और उसके मुकाबले बड़े बड़े दमदमे बांधे। मगर उस शहर में एक कंगाल दानिश्वर मर्द पाया गया और उसने अपनी हिकमत से उस शहर को बचाया। तो भी किसी शख्स ने इस मस्कीन मर्द को याद ना किया। तब मैंने कहा, हिकमत जोर से बेहतर है, तो भी मस्कीन की हिकमत की तहकीर होती है और उसकी बातें सुनी नहीं जाती। दानिश्वरों की बातें तो जो आस्ती से कही जाती हैं, अहमकों के सरदार के शोर से ज़्यादा सुनी जाती हैं। हिकमत लड़ाई के हथियारों से बेहतर है, लेकिन एक गुनहगार बहुत सी नेकी को बर्बाद कर देता है। खुदा के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। थैंक यू बहन। अभी कलाम के इसी मुबारक हिस्सा को पढ़ने के लिए, पंजाबी में पढ़ने के लिए मेरे प्यारे भाई मनी कुमार जी लाएंगे और इस हिस्सा को हमारे लिए तलावत करें। सबनों सलाम। मैं पढ़ा रहा उपदेश की पोथी बाप 9 और 13 to 18, जिसके विच लिखा, सूरज दे हेठ मैं ये बुद्ध भी डिठी अते ये मैनू वड्डी मालूम हुई। एक निक्का जिहा शहर सी, ओदे विच लोक थोड़े सन, ओदे उत्ते एक वड्डे पातशाह ने चढ़ाई कीती अते उनू घेरा पाया अते ओदे सामने वड्डे दमदमे बन्ने। पर ओदे विच एक मस्कीन बुद्धवान मनुख मिलिया जिसने अपनी बुद्ध नाल उस शहर नू बचा लिया। तां वी किसे आदमी ने उस मस्कीन नू चेते ना कीता। तद मैं आख्या कि जोर नालों बुद्ध चंगी है, तां वी मस्कीन दी बुद्ध तुश समझी जांदी है अते ओदियां गल्लां सुनियां नहीं जांदियां। बुद्धवान दियां हौली आखियां होईयां गल्लां उसदे रौले नालों जो मूर्खां दा हाकम है वधीक सुनियां जांदियां हन। युद्ध दे शस्त्रां नालों बुद्ध चंगी है, पर एक पापी बहुत सारी भलाई दा नाश करदा है। कलाम दे पढ़े ते सुनने दे प्रभु यीशु मसीह दी पवित्र नाम दे आमीन। जी थैंक यू मनी भाई। अभी हम रब के कलाम में से अपनी हिदायत के लिए रहनुमाई के लिए सुनेंगे और मैं सबसे पहले दरख्वास्त करूंगा और सामने तशरीफ लाएं और आज खुदा ने जो कलाम बख्शा है वो हमारे साथ बात। जी भाई साहब बहुत शुक्रिया।
जी इसको भी हम दिखाएंगे। जी सबको बहुत बहुत सलाम। आज का जो हम टॉपिक अभी कवर करने जा रहे हैं ये इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ थोड़े से एक्सपीरियंसेस जो मैं खुद सीखता हूँ वो मैं आपसे शेयर करूँगा। मैं खुद भी तालिबे इल्म हूँ, मैं बिल्कुल दावा नहीं कर रहा कि मैं इन सारी बातों को बहुत अच्छे से समझता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम कुछ सीखते हैं तो हमें उसको ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए और दूसरों के लिए भी तरक्की का और सीखने का आयस बनना चाहिए। कुरान के कलाम में मेरे ख्याल से सारे राज लिखे हैं एक कामयाब इंसान बनने के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि कौन शख्स उन राजों को सीखता है और उनसे फायदा उठाता है। अगर आप उनसे फायदा उठा लेंगे तो आप बेहतरी की तरफ बढ़ जाएंगे, अदरवाइज मुश्किलात आपके लिए हमेशा तैयार करेंगे। मैं जैसे हमेशा कहा करता हूं, आई विल ट्राई माई बेस्ट के आपका जो टाइम मैं लूं दैट विल बी वर्थ वाइल एवरी सिंगल मिनट ऑफ इट। सो मैं आज मैंने प्रेजेंटेशन भी तैयार की है सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, और मैं फेसबुक वालों के लिए भी जो है इसको अपनी स्क्रीन से भी शेयर करूंगा। So, सबसे पहली बात जो है फर्स्ट स्लाइड पे अगर हम जाते हैं, मेरे हमेशा याद रखिएगा कि मेरे पास एक ये रूबिक्स क्यूब है। ये रूबिक्स क्यूब मैंने कुछ दिन पहले हल करना सीखा है, और जब मैं इसको हल करना सीख रहा था तो मैंने एक राज सीखा जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये रूबिक्स क्यूब मुझे हल करना नहीं आता। मैंने यूट्यूब वीडियो देखी और उसमें लिखा होता कि 2-3 घंटे लग सकते हैं लेकिन आप इसको हल कर सकते हैं। मैंने वो 2-3 घंटे इन्वेस्ट किए और मैंने इसको हल करना सीख लिया, इट्स रिजॉल्व कंप्लीट। लेकिन क्या 2-3 घंटे गुजारने के बाद क्या मैं इसको कंप्लीटली हल कर सकता था? नो, क्योंकि मैं किसी को कॉपी कर रहा था, वो शिक्ष बता रहा था, मुझे समझने में टाइम लग रहा था कि इसको कैसे करना है, कौन सी बुक को कैसे करना है, इसलिए ये इसको बहुत टाइम लगा। लेकिन इससे एक बहुत जबरदस्त सबक सीखा मैंने। वो सबक ये था कि जो शख्स जिसने इसको पहले हल किया है अगर मैं उसको फॉलो कर रहा हूं वो कामयाब है इसको हल करने में, है ना। अगर मैं उसको फॉलो कर रहा हूं जो जो स्टेप्स वो कर रहा है अगर मैं वो स्टेप्स कर रहा हूं तो मैं भी इसको हल कर सकता हूं। इसका मतलब है कि मैं कोई भी स्टेप फॉलो करके जो कि कामयाब शख्स ने फॉलो किए हैं कामयाब हो सकता हूं। दैट्स व्हाई आई सेड फॉलो द वे। क्या करेंगे? फॉलो द वे, रास्ता फॉलो करें। जो कामयाब शख्स करता है दो लोगों को आपको जरूर स्टडी करना चाहिए। हमेशा बाइबल में आपको बड़ी मिसाल में खास तौर पर जनाब सुलेमान जिसको हिकमत का बादशाह कहा गया, जनाब सुलेमान की सबसे बड़ी क्वालिटी पता क्या थी? ही वॉज अ वेरी डीप ऑब्जर्वेंट। थोड़ा की ख्याल है कि कीड़िया दे केड़िया के लिए भी कर लिया ने उन्होंने ऐसे सीखने लगा तो क्यों मार रहे He must have observed them very deeply। फिर इसी कहते कि आए काहिल कीड़ी के पास जाओ उससे सीख कि कैसे तुझे प्लानिंग करनी है, एडवांस प्लानिंग कैसे करनी है, सर्दियों के लिए खोरश कैसे जमा करनी है। He was a deep observer। So, आपको मैं सबसे पहले की क्वालिटी बता रहा हूं। मैं आपसे चंद एक क्वालिटी शेयर कर रहा हूं, इसमें से मैं कहूंगा कि 80-90% क्वालिटीज अगर आप अचीव कर लेते हैं यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। यू हैव टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन योर लाइफ। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लेते हैं, मसलन खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है, क्या सिर्फ यही मान लाने से आप निजात पाते? शैतान भी इस बात है मान। बदरूहे भी यीशु को कहती थी, ऐ खुदा के बेटे तुझे हमसे क्या काम,
उनको भी पता था खुदा का बेटा, पर क्या वो बचू? देयर इज अ प्रॉपर स्टेप यू हैव टू फॉलो। सो सी ये बातें जो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, सिर्फ इनको सुनने से, इनको समझने से फर्क बात नहीं बनी, आपको इन पर अमल करना पड़ेगा, आपको इन पर अमल करना पड़ेगा। सो दो किस्म के लोगों को ऑब्जर्व करना है, एक पहला सक्सेसफुल, ऑलवेज वॉच सक्सेसफुल पीपल एंड डू एग्जैक्टली व्हाट दे डू। जो कामयाब लोग काम कर रहे हैं, अगर आप वो काम करते हैं तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। दूसरे किस्म के लोग, ऑलवेज स्टडी फेलियर्स। नाकाम लोगों को जरूर देखें, जो लोग नाकाम हुए क्यों नाकाम हुए अगर आप उनको स्टडी करेंगे तो आप वो हरकतें अवॉइड कर सकते हैं जो करके नाकाम होते। कामयाब आदमी को सीखें कि वो काम कर सके जो वो कर रहा है, और नाकाम आदमी को ऑब्जर्व करें कि वो काम नहीं करना जो करने के बाद वो फेल हो गया। सो ये दो चीजें करने से, पहली बात आप सक्सेस की तरफ जा सकते हैं और दूसरी बात है कि आप फेलियर की तरफ जाने से बाज रह सकते हैं। सो खुदा यूसुफ जी ने बाइबल में बड़ी मजेदार, ये तो मैंने आपको बताया कि एक रूट है, एक प्रोसेस है, एक रास्ता है जिसको फॉलो किया जा सकता। अब मुझे अगर खुदा के घर में जाना है, मुझे अगर पैराडाइज में जाना है, खुदा की कामयाबी की तरफ जाना है, हमारी अल्टीमेट कामयाबी क्या है? खुदा का नाम लेकर इंसान सब कुछ हासिल कर ले और अपनी जान गवा दे तो कोई फायदा? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, मैं कुछ भी कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं पादरी हूं, पादरियों ने भी रिस्क है रे। पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि ये ना होकर पिटालू कलाम सुना दे सुना दे आप ही को आ जाऊं। सो देयर इज अ रिस्क। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि बहुत सारे दिन कहेंगे कि खुदा है मैं करें, क्योंकि मैं नहीं पढ़ना। इसका मतलब है कि देयर विल बी प्रीचर्स, देयर विल बी हीलर्स दैट विल नॉट मेक हिम टू हेवन। सो रास्ता पता होना चाहिए। रास्ता क्या है? यीशु ने कहा आई एम द वे। अगर हमें खुदा की तरफ जाना है, खुदा के घर पहुंचना है तो रास्ता क्या है? यीशु। आई एम द वे, आई एम द वे। अगर आप उस रास्ते को फॉलो कर लेते हैं तो आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अब मैं कुछ क्वालिटीज आपके साथ शेयर करने लगा हूं। ये क्वालिटीज जो है, अगर आप इन क्वालिटीज को ऑब्जर्व करते हैं और समझते हैं, ये क्वालिटीज आपकी जिंदगी में कामयाबी को आप तक पहुंचाने में बड़ी कामयाब होगी। और ये सारी की सारी क्वालिटीज, मैं व्हेन आई लिसन टू सक्सेसफुल पीपल आई से आइदर दे आर फॉलोइंग समबडी हु हैज टॉट देम और दे आर रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम के तालिब इल्म बड़े बड़े कामयाब लोग। सो पहला सीक्रेट की तरफ देखते हैं, वो है क्लैरिटी। फर्स्ट सीक्रेट इज क्लैरिटी। तीन चीजों में क्लैरिटी आपको जरूर चाहिए, तीन चीजों में क्लैरिटी चाहिए। पहली क्लैरिटी है सोच की, थिंकिंग की। आप क्या चाह रहे हैं? व्हाट डू यू वांट? आपको क्या चीज चाहिए? ये बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। जेम्स की किताब में क्या लिखा हुआ है? यकूब की किताब में क्या लिखा हुआ है? कि दो दिला ये भूल जाएगा वो खुदा को कुछ मिलेगा नथिंग। जेम्स की किताब में, जैसे यकूब की किताब हम कहते हैं, उसके पहले बाप के आठ में आते हैं, डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल His ways। वो खुदा क्या मेरे कहते, वो समंदर की लहरों की मानद है, जिड़ा उठता है मैं बहुत कमाल कर सकते हैं और फिर चल बैठ गए। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिटी बड़ी चाहिए अपनी सोच में। आप एक फैसला करें कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे मिडिल सेक्स का सबसे बड़ा चर्च बनाना है, मुझे लंदन का सबसे बड़ा एशियन चर्च बनाना है, बना लेंगे। लेकिन वो सोच चाहिए और उस सोच पे आपने फोकस रहना है। आप फैसला कर लें कि मुझे सबसे बड़ा कारोबारी शख्स बनना है लंदन का, इंग्लैंड का, दुनिया का। सोच सबसे पहले जरूरी है, सबसे पहले सोच जरूरी है। अगर आपकी सोच क्लियर है, अगर यूनिटी ऑफ थॉट है, आप
ये नहीं हो रहा मुझे, मैंने तो बिजनेस शुरू किया तो मुझे बड़े लोग आते रहते साल जब भी जाते हो भाई साहब सुना तुझे कारोबार कर दो यार सर्जिकल का कारोबार कर लो। मैं यार मैं फुटबॉल का काम कर मैं नहीं सर्जिकल कर सकता फलानीशा कर लो मैं सॉरी मैं नहीं कर सकता क्यों मुझे पता है कि दो कश्तियों के सवार कहीं नहीं पहुंच एक काम कर रहे हैं ध्यान में कर रहे हैं उससे ही काम उठा ले रहे और जब तक आप उसे कामयाबी अचीव नहीं कर लेते यू आर नॉट गोइंग टू अगर तुम एक फैसला किया कि मैं ब्रिटिश बनना है यू हैव टू पुट ऑल योर हार्ट टू इट आपने फैसला कर लिया कि मैं डॉक्टर बनना है यू हैव टू पुट योर हार्ट टू इट ये नहीं कि आज मैं डॉक्टर बनना है तो कल मैं इंजीनियर बन जाऊंगा पर हफ्ते महीने बाद सोच चेंज हो जाए तो मैं हूं जो मैं सोच रहा मैं पादरी बन रहा कोई नहीं बन सकता नो यू हैव टू हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट यूनिटी ऑफ थॉट दूसरी बात डिसाइसिव फैसला डिसाइसिव होना चाहिए आपको अपनी बातों में और ये स्पेशली पेरेंट्स हैं उनके उनके लिए मैं कहूंगा आप अपने बच्चों को अगर कोई बात कहते हो नो डोंट गो बैक ऑन इट जितना मर्जी बोले आपको ये मिल रहा है नो एंड यू से नो जे तुसी अपने बच्चे को नहीं काबू कर सकते तो तुसी जिंदगी में बहुत नाकाम होने वाले हो लिख ली मेरे वर्ड्स यू हैव टू बी डिसाइसिव हर फैसला जल्दी में नहीं कर रहा लेकिन 80% फैसले जो है वो आप ऐसे कर सकते बिजनेसमैन जो जल्दी फैसले करते हैं वो कामयाब है जेड़े सोचते रहेंगे बैठे रहेंगे यू हैव टू टेक डिसीजंस क्विकली जिंदगी में जो कामयाब लोग हैं आप उनको स्टडी करके देखें आपको पता चलेगा कि देर वेरी क्विक डिसीजन मेकर्स क्विक डिसीजन करना जो है आपके अंदर एक इनबिल्ट क्वालिटी पैदा कर देता है कि आप जल्दी फैसले करते हैं अगर आप जल्दी फैसले कर रहे हैं कि आदत डाल लेते हैं तो ये लाजमी नहीं कि आपका हर फैसला दुरुस्त हो लेकिन हर फैसला करना जरूरी है टाइम पे डिसीजन लेना जरूरी है और हम अक्सर फैसले लेने में देर पता भी कर देते क्योंकि हम डर रहे होते हैं गलत फैसला हो जाए वो आपकी आदत में शामिल हो जाता है एक काम में वो आप उसको कहेंगे मुझे मैं टाइम लूंगा मैं थोड़ा वक्त लूंगा और उस वक्त की वजह से आप डिले करते जाते हैं और वो फेलियर का एक पैटर्न आपकी जिंदगी में फिट होना शुरू हो जाता है अगर आप क्विक डिसीजन मेकर हैं तो आप हर चीज में जल्दी जल्दी फैसला करेंगे अगर आप जल्दी फैसला करने की आदत नहीं डालते ये कामयाब लोगों की आदत है फैसला करें और उस फैसले पर खड़े हो मैं जब पाकिस्तान से यूके आया था तो मैं पाकिस्तान में फर्गसन में काम करता था शबर जैदी साहब के साथ काम करता था आई वाज द ओनली ट्रेनी हु हैड एक्सेस टू अ पार्टनर और मैं यहां पर जब आया तो मैं केले पैक करता था आई क्राइड मैं बहुत रोया कि मैंने क्या कर लिया अपनी जिंदगी के साथ फिर मैंने फैसला किया कि मैं अपने इस गलत फैसले से बेहतरी पैदा करूंगा खुदा का शुक्र है सारी फैमिली हमारी यू हैव टू टेक डिसीजन यू हैव टू टेक डिसीजन एंड फर्म डिसीजन एंड स्टैंड ऑन दैट तीसरी बात क्लैरिटी के आपका विजन क्लियर होना चाहिए आप क्या चाहते हैं जिंदगी से क्या अचीव करना चाहते हैं क्या ऑब्जेक्टिव क्या है बनना की चाहते हो ज्यादातर लोगों के जिंदगी में ये चीज मिसिंग होती है उनको पता ही नहीं वो चाहते क्या जिंदगी से दे डोंट नो व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है आप कामयाब लोगों को देखोगे उनको पता होगा कि मैंने 5 साल में क्या अचीव करना है मैंने 1 साल में 2 साल में 5 साल में 10 साल में मैंने रिटायर कब होना है मैंने अपनी रिटायरमेंट एज सेट की है मैंने अपनी रिटायरमेंट एज भी सेट कर ली है मैं 55 साल के बाद मैंने काम नहीं कर रहा मैंने फुल टाइम खिदमत कर दी है पार्ट टाइम काम कर रहा है अभी जैसे मैं फुल टाइम काम करता हूं पार्ट टाइम खिदमत करता हूं फिर मैंने फुल टाइम खिदमत कर दी है पार्ट टाइम काम कर रहा हूं यू हैव टू हैव अ क्लियर विजन खुदा के कलाम में प्रोवर्ब्स में 29वें बाब में लिखा हुआ है कि वेयर देयर इज नो विजन पीपल पेरिश उर्दू में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ रोया रोया नहीं है जहां पे असी समझ रहे कि रोया सिर्फ वो अपनी ही भी रोया में खोया थोड़ा विजन होना चाहिए थोड़ा ख्वाब होना चाहिए की अचीव करना चाहिए व्हाट डू यू वांट टू अचीव फ्रॉम लाइफ
अगर वो विजन की क्लैरिटी नहीं है तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वालिटी जो है कॉम्पिटेंस है। कॉम्पिटेंस इज कि आप में काबिलियत कितनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे डिल्यूडल लोगों को आप देखेंगे, मेरे पास एक शख्स काम करता था, वो मुझे कहता है कि सर मैं काम छोड़ना चाह रहा हूं, लेकिन क्यों, मैं सिंगर बनना चाहता हूं। वेरी गुड, अगर आप बुरा ना बनाए तो आप मुझे गाना सुनाए। उन्होंने गाना सुनाया, मैं कि बेटे डोंट डू दैट, डिल्यूडल। उसकी आवाज इतनी भी कि कुछ कहते ना, कुछ शक्ल ऐसे होंगे ना सिर्फ माँ प्यो प्यार कर सकते हैं, तो कुछ आवाजा भी ऐसे होंगे ना कि सिर्फ फोन और अपने आप को छिड़ा सकते किसी और छिड़ी लगी। आई टोल्ड हिम दैट, और वो नाल जो मुंडा सी अब मेरे बिजनेस का वड्डा हिस्सा सांभ रहा है, और वो अज भी धक्के खा रहा है जिहड़ा सिंगर बनना चाहता है। यू हैव टू हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट। अगर आपको पता नहीं है कि क्या आप चाहते हैं, अब उसने क्लैरिटी को क्रिएट कर ली कि मैं सिंगर बनना है, लेकिन क्या उसके पास कॉम्पिटेंस है? राहत फतेह अली खान इंग्लैंड आता है, 1.5 घंटे का कॉन्सर्ट करता है, 30,000 pounds चार्ज, 70,80,000 crore रुपया 1.5 घंटे का। क्या वो 1.5 घंटा उस वक्त भी जब वो फतेह अली खान साहब के साथ पीछे बैठ के तालियां मार रहे थे या लापे लगा रहे थे तो 1.5 करोड़ का कमा सकता था? The moment he is now where he can demand that money, जहां वो इतने पैसे कमा सकता है, यहां पहुंचने के लिए पता नहीं कितने हजारों घंटे उसने इन्वेस्ट किए। इतने हजारों घंटे इन्वेस्ट करने के बाद वो इस लेवल पर पहुंचा कि उसके 1 घंटे की कीमत करोड़ों रुपए में चली जाती है। आपको एक्सेलेंस अचीव करनी है, अपने अंदर सबसे पहले एक्सेलेंस लानी है। एग्जाम्पल आपको बायोग्राफी से देता हूं, जोसेफ जब वो मिस्र में बिक के गए थे तो क्या क्या उनकी हैसियत थी? गुलाम, एक गुलाम पोतीफर के घर का आका बन जाता है, एक खानदान का। आपको पता ना पोतीफर कौन था? ही वाज द मिनिस्टर ऑफ प्रिजनर्स, प्रिजन्स, फिरौन की सारी प्रिजन्स जो थी उनका मिनिस्टर था, वो मिनिस्टर ऑफ प्रिजन्स था। उसके घर का मालिक बन गया यूसुफ, जो उसको के वो मार्केट में से खरीद के लाया था। कैसे हो गया कि गुलाम जो है वो इतनी पे चला जाए? मस्ट हैव बीन एक्सीलेंस, ही वाज गुड एट व्हाट ही डिड, ही पेड कंप्लीट अटेंशन, अनडाइवर्टेड अटेंशन, फोकस। मैं फर्ज करो मैं खादिम बनना चाहता, लेकिन मैं कलाम सुनाना थे, मेरी बेगम मैंने कह दिया कि तुम फलाना कलाम सुना, बड़ा मजा आया, मैं नींदर नहीं आ रही, मैं सुना दो वापस। तो जो मेरा कलाम मिलता है कि मेरी बुढ़ी नींदर को जब सोनी है, तो दैट मीन्स आई शुड नॉट बी ए स्पीकर, आई शुड नॉट बी शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। मुझे खुदा के कलाम की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप कुछ भी आपने करना है, यू हैव टू बी गुड एट अचीव एक्सलेंस। और एक्सेलेंस की आपको पता कि दुश्मन क्या है? कॉम्प्लेसेंस, कॉम्प्लेसेंस एंड सेटिस्फेक्शन। जब हम कंप्लायंट हो जाते कहते हैं यार बस ऑटो रन दे हुए बिजनेस, 5 करोड़ रुपया हर साल आंदा है मैंने, गुड नो, फिर तुम उठ ही रह गए। जिंदगी बहुत स्पीड से तेज हो रही, चेंज हो रही है। आज से 5 से 10 साल के बाद हर चीज जिसको आप जानते हो चेंज हो जाएगी। हमारा कलाम करने का तरीका चेंज हो जाएगा, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का तरीका चेंज हो जाएगा, रोड चेंज हो जाएगी, गाड़ियां चेंज हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चेंज, हर चीज चेंज हो जाएगी। क्या मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूं? क्या मैं अपने आप को एक्सेलेंस के साथ हर नई चीज के सीखने के लिए तैयार कर रहा हूं? अगर मैं नहीं कर रहा तो फिर मुश्किल है, फिर आप बड़ी मुश्किल में जाने वाले। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये कॉम्पिटेंस जो है, इसको हमने देख लिया कि कॉम्पिटेंस जो है वो बहुत जरूरी है।
सो जी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंसंट्रेशन, तवज्जो, अपनी तवज्जो को मरकूज कर सके आप। इस उर्दू में थोड़ा मुश्किल लफ्ज है, तवज्जो का मतलब ध्यान, कंसंट्रेशन मींस ध्यान। क्या आपका ध्यान लग सकता है किसी चीज पे? क्या आप ध्यान से कोई काम कर सकते हैं? अगर जो थोड़ा ध्यान ठीक नहीं तो फिर परेशानी है, फिर सीरियस किस्म का प्रॉब्लम है। आप ध्यान से जब काम करते हैं तो आप एक्सीलेंस अचीव कर लेते हैं, कॉम्पिटेंस अपनी अपने आप को ट्रेन करते हैं, बातें नहीं सीखते हैं तो आप बेहतरी की तरफ बढ़ते जाते हैं। जब आपके पास एक्सीलेंस आ जाती है ना तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है, ऐसे जैसे बैरक कुलजन खुल गया था, ऐसे ऐसे आपके सामने जो दीवारें हैं वो खुल जाती हैं और सामने अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे लोग सिक्योरिटी ढूंढ रहे होते हैं कि मनु इंश्योरेंस चाहिए, मनु सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी इज ऑपोजिट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जब आप सिक्योरिटी खेलना चाहते हैं ना तो रिस्क नहीं लेंगे, डर डर के उन्हें लूज ना कर दे, कुछ नहीं आगे नहीं बढ़ सकते। यू हैव टू सीक अपॉर्चुनिटीज, और जितनी ज्यादा आप अपॉर्चुनिटीज अचीव करते जाएंगे उतनी सिक्योरिटी बढ़ती जाएगी। सिक्योरिटी क्या है? मैं कह रहा था कि मैं फौत ना हो जावा, मेरे बच्चे पीछे की कर रहे, मैं इंश्योरेंस करा रहा, मैं इतना पैसा कमाया था, मेरा पैसा जाया ना हो जाए, मैं इन्वेस्ट नहीं करता, मैंने बचा लेना। लेकिन ये सारी चीजें करने से पहले कॉम्पिटेंस अचीव करना जरूरी है। नलायक आदमी पैसा तबाह कर ले। यू हैव टू बी गुड, यू हैव टू बी गुड एट व्हाट यू डू। कंसंट्रेशन बड़ी जबरदस्त बात है। ये मेरा दिल कर रहा था कि इसको मैं आपके साथ उर्दू में भी याद शेयर करूं। पहले क्रंथियों में नवे बाप की 25-27 आयत आपके लिए पढ़ता हूं, लिखा है, और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता, अनकरप्टेबल क्राउन, है ना? बादशाह ने ताबू के बारे में सिखाया हुआ या वो बात होगी। बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूं, यानी बेटकाना नहीं, मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूं, यानी इस उसकी मानत नहीं जो हवा को मारता है, यानी मैं प्रॉपर ट्रेन कर रहा हूं। ऐसा नहीं है मैं फजूल जी भागता जा रहा हूं, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूं। ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप नमक उठे। इंग्लिश में लिखा हुआ है, lest after preaching to others I myself should be disqualified। मैं खुदा के जरूर ना मकबूल हो जाऊं। कंसेंट्रेशन के साथ काम करना, ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ काम करना। अगर आपकी तवज्जो नहीं है किसी काम पे, अगर आप फोकस नहीं कर सकते किसी काम पे, अगर आप सोते बैठते उठते जाते अपने विजन को, अपने ड्रीम को नहीं देखते तो कामयाब नहीं हो सकते। मेरे कंप्यूटर ने पिछले हफ्ते मुझे एक वार्निंग नोटिस दिया। वो वार्निंग नोटिस था कि यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन स्क्रीन, आप बहुत ज्यादा टाइम गुजार रहे हैं कंप्यूटर पे। और पता है कितना टाइम कह रहा था मुझे? 16 घंटे 46 मिनट ऑन एवरेज, 17 घंटे मैं कंप्यूटर पर काम करता हूं, 17 hours a day। And when it says average, that means हो सकता है किसी में मैंने 16 किए तो हो सकता है किसी में मैंने 18.5 घंटे में काम किया। कंसेंट्रेशन, मुझे नहीं भूलता मैं क्या अचीव करना चाहता हूं, मैं बिल्कुल तवज्जो इधर उधर नहीं होने देता, मेरा फोकस है। क्या आपका फोकस है? आज आपने अपनी असाइनमेंट जमा करानी है, तुम अगर अपनी तवज्जो इधर उधर कर दोगे तो असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होता। अगर आप जिंदगी में डॉक्टर बनना चाहते हैं और आप भूल जाते हैं, रोज उठ के अपने आप को याद नहीं कराते कि मैंने क्या बनना है जिंदगी में, तो नहीं हो सकता। यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ, यू हैव टू कंसंट्रेट। किस की तरह? पहलवान की तरह। इंग्लिश में उसके लिखा हुआ है एन एथलीट, एक स्पोर्ट्समैन की तरह। एक स्पोर्ट्समैन जब उठता है वो ओलंपिक्स, आपको पता है कि 2012 में यहां पे लंदन में ओलंपिक्स हुए,
तो उस वक्त मैंने ये सीखा कि जो लोगों ने अपने बच्चों को ओलंपिक्स में आगे बढ़ाना होता है ना, वो 8 साल की उम्र में उन्हें ट्रेन करना शुरू किया। 8 साल की उम्र से वो 10 से 12 साल ट्रेन होता, फिर 20 साल की उम्र से जाके बच्चा। और उसी बात का कुछ पेरेंट्स फैमिली की बात करूंगा, हम बच्चों को कहते हैं एंजॉय कर रहे, मैं मेहनत कर रहे। नो, इफ यू आर ट्रीटिंग योर चिल्ड्रन नॉट द वे द वर्ल्ड विल ट्रीट देम, यू आर डूइंग देम अ डिसर्विस। अगर आप अपने बच्चों को वैसे ट्रीट नहीं कर रहे जैसे दुनिया में ट्रीट करेगी, आप अपने बच्चों को नाकामी के लिए तैयार करें। उनको ऐसे ट्रीट करें जैसे दुनिया ट्रीट करेगी। मेरे बच्चे हमेशा जब भी मैं उनसे कुछ कहता हूं, ये नहीं हो सकता, वो कहते पापा यू आर बीइंग अनफेयर। वर्ल्ड इज अनफेयर, बी रेडी फॉर द अनफेयर वर्ल्ड। बाहर जाओगे कोई तुहाडे नाल कोई खास सलूक नहीं होना। असीं तो जमे बाकी किसी नहीं जमे। प्रिपेयर योर चिल्ड्रन फॉर द हार्ड लाइफ। आगे बढ़ते हैं। कॉमन सेंस होनी चाहिए। क्या है कॉमन सेंस? कॉमन सेंस इज अकले सलीम जिसे कहते हैं उर्दू में। और हमारे एक टीचर होते थे प्रोफेसर मुदस्सर साहब, बड़ी खूबसूरत बात करते थे, कहते थे कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग। लोगों में कॉमन सेंस सबसे ज्यादा अनकॉमन है। कॉमन सेंस ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कॉमन सेंस की मैं सिर्फ मिसाल देता हूं, किसी चीज को बगैर सोचे समझे फैसला कर लेना, उस पर बात कर लेना, कॉमन सेंस से खा लेना। फिर आप कहेंगे थोड़ी देर पहले तुझे कैसे 80% फैसले फटाफट हो जाने। मैं ये नहीं कहा कि बगैर सोचे समझे होने चाहिए, मैंने कहा कि जल्दी होनी चाहिए। फोकस करें, अपने फैसलों को सोच के फैसला करें। बगैर सोचे समझे फैसला करना हमेशा आपको नाकामी देगा। सो हमने ये देखा कि कॉमन सेंस जो है, इसके एक और कॉमन सेंस की बड़ी जबरदस्त मिसाल है। हम अक्सर जब नाकाम हो जाते हैं, कोई चीज ठीक नहीं होती, गलती हो जाती है, बेड़ा गर्क कर लिया, कहते चलो तजर्बा ही सही। तजर्बा नहीं है वो फेलियर है। तजर्बा वो तब बनेगा जब आप उसे कुछ सीख लेंगे। अपने फेलियर को पकड़े, उस पर फोकस करें, उस पर ध्यान से समझने की कोशिश करें, कहां मैं गलत था, क्या चीज मैंने गलत की, उस चीज को ठीक करें, उससे सबक हासिल करें, वो दोबारा नहीं करें। फैसले जरूर करें। जब भी आप हमेशा ढूंढने की कोई चीज कोशिश करेंगे तो मिल जाएगी। कुरान किताब में क्या लिखा है, ढूंढो तो पाओगे। कुरान से अक्ल मांगनी है। मैं बड़ी खूबसूरत वर्स है अमसाल की किताब की दूसरे बाप की 6वीं और 7वीं आयत है, फॉर द लॉर्ड गिव विजडम, खुदा अकल देता है। इसको न्यू लिविंग ट्रांसलेशन जो उन्होंने यूज किया है वर्ड कॉमन सेंस, द लॉर्ड गिवेथ कॉमन सेंस, खुदा हमें कॉमन सेंस देता है। लेकिन बाद में हम कॉमन सेंस के लिए तैयार नहीं होते, हम बिल्कुल तैयार नहीं होते। इसलिए आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि खुदा से हिकमत मांगो। प्रोवर्ब्स में अपने बच्चों को, मैं सारे जितने भी छोटे बच्चे मैं हमेशा उनको कहता हूं प्रोवर्ब्स जरूर पढ़े रोजाना। अभी मुझे एक बच्चा मिला, हिंदू बच्चा, बुद्धिस्ट बच्चा था, एक हिंदू भी था, तो मैं उसको उनको समझा रहा था। मुझे कहते कि क्या सीक्रेट ऑफ सक्सेस हो सकते हैं बिजनेस के लिए। मैंने उनको बुक ऑफ प्रोवर्ब्स पढ़ना शुरू कर दिया। तो क्रिश्चियन है, मैं इट डजंट से मैंने क्रिश्चियनों के लिए लिखी है, मेरे यहूदियों के लिए लिखी है किताब। वो कहते हैं जो भी सीखना चाहता है, जो इल्म हासिल करना चाहता है, उस किताब को पढ़े। मैंने अपने बच्चों से कहा हुआ है कि आप आज हर रोज एक चैप्टर पढ़े, आई गारंटी यू विल बी अ मिलियनेयर बाय द एज ऑफ 30। गारंटेड आई विल बी अ मिलियनेयर वेरी सून। मैंने 5 साल पहले पढ़ी शुरू की, 7 साल पहले, और मैंने 100 से ज्यादा दफा ये किताब पढ़ी। मैं अभी भी मेरी फेवरेट किताब, नहाते उठते बैठते गाते बजाते सोते सोने से पहले भी सो लेते। अपने टाइम को यूज करना शुरू करें। वक्त सबके पास एक बराबर है, हर किसी के पास 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे में से ही आपने 24 घंटे में ही आपने करना है काम।
ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, क्रिएटिविटी। आपने क्रिएटिव होना है। आज हमने जो अपना रेफरेंस पढ़ा था बाइबल का, जो रेफरेंस हमने बाइबल में से देखा वो था वाइस की किताब नवा बाब और उसकी 13वीं से लेके 18वीं आयत। एक शख्स जिसके जनाबे सुलेमान ने बड़ी खूबसूरत, मैं आई फाइंड दैट वर्स एन अमेजिंग 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 वर्स, मैं आपके साथ उसको शेयर भी करता हूं। उस किताब में उस वहां पे लिखा हुआ है कि जनाबे सुलेमान कहते हैं जनाबे सुलेमान कहते हैं कि मैंने आसमान के नीचे एक कमाल हिकमत को देखा। उस पहली बात है कि उसकी हिकमत को क्या कह रहे हैं, कमाल। ये बात बड़ी समझने वाली है, ये बात आप अगर आप ये समझ आते हैं तो देर लॉट्स ऑफ लेसन्स टू लर्न फ्रॉम हियर। वाइस की किताब 9 बाब और उसकी 13वीं आयत से लिखा है, मैंने ये भी देखा कि दुनिया में हिकमत है और ये मुझे बड़ी चीज मालूम हुई। बड़ी चीज, क्या सुलेमान को नहीं पता था कि हिकमत है? He is writing about wisdom। लेकिन यहां पर जो बड़ी चीज है ना, वो सबक सीख ले, वो ये है कि वो शख्स जिसकी हिकमत से शहर बच गया, क्या हो गया? उसकी हिकमत की वजह से वो शख्स गरीब था। वाइज बने, अकलमंद बने, लेकिन गरीब ना रहे। अगर आप किसी फिर भी गरीब रहते हो, यू आर नॉट वाइज। खुदा के कलाम में कहीं पर नहीं लिखा कि गरीब होना अच्छी गल है। जनाबे दाऊद ही वाज अ रिच मैन, जनाबे सुलेमान अमेजिंगली रिच। हमारा बाप ईमानदारों का बाप, जिसमें हम पैवस्त हो जाते हैं, बाप इब्राहिम, डू यू थिंक ही वाज अ रिच मैन और पुअर गाय? ही वाज अ रिच मैन। उसको लोग कहते हैं कि तू हमारे दरमियान शहजादा है। गरीब आदमी की हिकमत का कोई मोल नहीं। और अगर आपकी हिकमत ने आपके लिए दौलत पैदा करने के तरीके आपको नहीं सिखाए, तो आपने अपनी हिकमत को इस्तेमाल नहीं की। अब दौलत क्यों कमानी है? सांप मार के बैठ जाना होते? नो, बी ब्लेस्ड टू ब्लेस अदर्स। आपकी दौलत, आपकी बरकतें इसलिए होनी चाहिए कि आप दूसरों के लिए बरकत का बायस बन सके। अब मेरा, मैं अपनी बात आपको बता दूं, मेरा बिजनेस करने का मकसद क्या है? मैं छोटा सा था, मेरे भाई बड़े थे। मैं उनको ये भी कहता हूँ कि वो मेरी जिंदगी के आर्किटेक्ट हैं। उन्होंने हमेशा विजन मुझे दिया, ख्वाब दिया कि तूने ये करना है। मैं छोटा सा था, मुझे कहते थे मैं वड्डे होकर पादरी बनने थे, तू बिजनेसमैन, तू कारोबार की टाइप चर्च को देनी है, खिदमत करा। एंड दैट्स द विजन वी आर स्टिल वर्किंग ऑन। हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान में इफेक्टिवली खिदमत करना है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया में। वी विल वर्क अलोंग द वे, सब कुछ पैदा होगा। पैसे के लिए कभी काम ना करें। लेट द मनी वर्क फॉर यू, डोंट वर्क फॉर मनी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट राज है। वर्क फॉर एक्सलेंस, वर्क फॉर अचीवमेंट। मैं हमेशा मेरा जो मैनेजर है नबील, राज नबील साहब, उनसे मैं बात कर रहा था अभी। वो खुदा का फजल से बड़ी अच्छी सैलरी है उनकी, सारा बिजनेस वो संभालते। तो मैं उनको मैं बहुत छोटे से 5-7 साल से मेरे साथ, तो मैं उनको हमेशा क्या करता था, नबील डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क फॉर एक्सीलेंस। इस साल पहली दफा उन्होंने मुझे कहा, सर मैं थोड़े ना इस गल ते एग्री कर। पहले मैंने नहीं सी समझ आती, लेकिन उन्होंने समझ आ गई। पैसे लिए नहीं काम कर, एक्सीलेंस ही काम कर। आप फर्ज करो भाप है, भाप होती है ना, भाप पैदा होती है कुछ चीज पानी को लिक्विड को गर्म करके। आप भाप बनाने के लिए चाय तो नहीं बनाते है ना? चाय बनाते हो, भाप आप बढ़ जाती, स्टीम खुद ही बन जाती है जब आप चाय बनाते हो। सेम वे मनी इज क्रिएटेड व्हेन यू अचीव एक्सीलेंस। मनी इज क्रिएटेड व्हेन यू अचीव एक्सीलेंस।
जब आप मेहनत करते हैं, इफेक्टिवली काम करते हैं, खुद ब खुद मनी आने शुरू हो जाती है। डोंट वर्क फॉर मनी। जब आपके पास पैसा नहीं, लेट द मनी वर्क फॉर यू। क्योंकि जब आप पैसे के लिए काम करेंगे तो हमेशा लोग आप पैसे के पीछे दौड़ते रहेंगे। जब आप एक्सीलेंस के लिए काम करेंगे तो मनी आपके पीछे दौड़ेगा। दैट्स द फॉर्मूला, दैट्स द फॉर्मूला सीक्रेट। जी आगे बढ़ते हैं। मैं हम बात कर रहे थे क्रिएटिविटी पे, सॉरी ये क्रिएटिविटी है, हम क्रिएटिविटी पे। क्रिएटिविटी में हमेशा बात ध्यान में रखिएगा, ये बड़ा बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने चाहूँ। क्रिएटिव का मतलब ये नहीं है कि तुसी कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड आइडिया लेकर आ रहे हो। जस्ट इंप्रूव अ लिटिल 5-10% बेटर। मैं आपको गारंटी देता हूं अपने चर्च को 5-10% बेहतर बना ले तो लोग दूजे चर्च को छोड़ के कर दूंगा। बट इफ यू आर मीडियोकर नोबडी विल कम। बजाय इसके कि मैं एक पहलू में बहुत मेहनत कर लूं, 100 पहलू में थोड़ी थोड़ी ज्यादा मेहनत करें, थोड़ा थोड़ा बेहतर बना ले अपने आप को दूसरों से। जो कंपनीज अपने आप को दूसरों से थोड़ा थोड़ा बेहतर बना लेती है बहुत आगे बढ़ जाती है। सिर्फ और सिर्फ आप ये देख लीजिएगा, आप किसी अगर आप ईमेल लिखते हैं और किसी ईमेल होम ऑफिस छोड़ दें, वो पब्लिक सर्विस है, मजबूरी होती है लोगों की, उन्होंने लिख दे रहे। देखिए फर्स्ट कीजिए कि आप रॉयल मेल को या पोस्ट किसी बिजनेस को ईमेल लिखते हैं, वो वाला बिजनेस जो आपको जल्दी रिस्पॉन्ड करता है आप उसको ज्यादा पसंद करेंगे, जो आपको जल्दी सर्विस दे देगा। थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं। कुछ कहते हैं नहीं भाई मेरी छुट्टी है, मैं तो छुट्टी से वापस आऊंगा, तो जवाब थोड़ा हल्का बेहतर बना रहे और आपको आप आगे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये आपकी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी राज है। अब आपको मैं सर्वाइवल में से इसकी बड़ी जबरदस्त मिसालें देने वाला हूं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी इफेक्टिव होनी चाहिए, बहुत ध्यान से कम्युनिकेट करना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के मिसालें देख लीजिए। जनाब पौलुस ने जब गुजरे थे तो वहां पे एक बुत पड़ा देखा, जिसको कहा था कि ये क्या है, अनजाने खुदा का बुत है, अननोन गॉड। हाँ, अननोन गॉड। उन्हें कहा मैं तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ही यूज्ड हिज कम्युनिकेटिव स्किल्स। उन्हें कहा मैं तो दस रहे बारे ऐ यहोवा का बुत लाया गया, बाद में दसता यहोवा बुत पसंद नहीं, खत्म कर दे। Use every opportunity to communicate effectively. Stiffness जो थे स्टीफन वो मरने वाले थे, but he used his opportunity effectively. मरण तो पहले भी मसीह ने बर्दाश्त किए, मरते भी कह के भी आसमान खुला देखे effectively. जनाबे पतरस जब खुदावन के पास आए, communication effective हो गई। पहली कम्युनिकेशन से क्या अचीव किया, 3,000 लोग। फर्स्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वो तो पहले अनइफेक्टिव कम्युनिकेशन थी, वो क्या थी, खुदाया मैं जिदा मौका कभी नहीं आया, चढ़ा पै गया उस्ताद को। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जितने भी बड़े लीडर्स हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, दे नो हाउ टू कम्युनिकेट। अपने आपको ट्रेन करें अगर आपको बोलना नहीं आता। डिबेट क्लब ज्वाइन करें, स्पीकिंग एंगेजमेंट ज्वाइन करें, लिखने की प्रैक्टिस करें, अपने आपको तैयार करें। दैट इज अ स्किल दैट इज गोइंग टू बी वेरी 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 यूजफुल। बात करने का स्किल, मैं अपनी बात करूं, 4 साल पहले मुझे बिजनेस में मैं बहुत स्ट्रगल करता, एंड द मोमेंट आई रियलाइज कि मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मैं कम्युनिकेट नहीं सही तरीके से कर, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पाता, मुझे बेचना नहीं आता। I started reading books. कैसे बेचना है? अगर आपका चर्च नहीं चल रहा, सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज पढ़े। अगर आपका कामयाबी बिजनेस में कामयाबी नहीं हो रही, कामयाब बिजनेस लोगों को देखें, उनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़े। अगर आप जिंदगी में और कुछ बनना चाहते हैं, उसी फील्ड के रेलेवेंट लोगों को पढ़ना शुरू करें, एंड यू विल फाइंड दैट योर कम्युनिकेशन स्किल्स विल इंप्रूव। आगे बढ़ते हैं। कमिटमेंट, इन सारी बातों के साथ
कमिटमेंट जो है दैट इज द अंडरलाइन गर्डर जो कि वो सारी बातों को उठा के रखेगा। तुसी बहुत चाहते हो कि मैं मेरी हाँ जी मेरी थॉट बड़ी क्लियर है, मैं ये चीज करना चाहता, मैं मेहनत भी करने तैयार हूं, एक्सलेंस करने भी तैयार हूं, लेकिन कमिटमेंट नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिए। व्हाट सक्सेसफुल पीपल डू रेगुलरली, अनसक्सेसफुल पीपल डू ओकेजनली। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। व्हाट अनसक्सेसफुल पीपल डू ओकेजनली, सक्सेसफुल पीपल डू रेगुलरली। या इसको ऑपोजिट कर देते हैं, पहले सर पहले से व्हाट सक्सेसफुल पीपल डू रेगुलरली, अनसक्सेसफुल पीपल डू ओकेजनली। मैं मसल मैं कह सकता हूं यार मैंने सुना है कि इलोन मस्क जेड़ा है वो सुबह उठ के ते अद्धे घंटे च 10-15 लोगों को ईमेल कर लेता है। मैंने भी शुरू कर दिया, मैं उठा हूं बिस्तर में जब बाथरूम में बैठ कर रहा हूं, लेकिन ये सिर्फ 2 दिन की मिसाल मेरी प्रैक्टिस है, 2 दिन के बाद मैंने भूल जाना है ये तरीका। यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल बिकॉज यू आर नॉट कमिटेड, होल हार्टेडली कमिटेड नहीं है। खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों को देख लीजिए, जब खुदा यीशु मसीह उससे पहले वादे कर रहे थे कि खुदा हम नहीं छोड़ेंगे तुझे, उससे थोड़ी देर पहले खुदा यीशु मसीह ने कहा कि इन लोग मेरी सख्त गलत की तू छड़ के चले गए, तुसी क्यों नहीं गए? कहते ने खुदाया जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, हम किसके पास जाए। वो 2-4 दिन के बाद ही जब खुदा यीशु मसीह की गसमनी के बारे में पढ़िया तो दौड़ गए सारे फुर। पत्रस जो थोड़ी देर घंटे चंद घंटे पहले कहता खुदा मैं जान दे देगा तेरा, वो भी फुर। देयर वाज नो कमिटमेंट। फिर कमिटमेंट कैसे आई? जब खुदा यीशु मसीह जिंदा होने के बाद पहली दफा पूरे शरीर 11 शरीरों को मिलने के लिए आए और लिखा है कि उसने उनको अपना पाक रू दिया। ये ईद पेंतेकोस्त की बात नहीं कर रहा, शागिर्दों को पाक रू ईद पेंतेकोस्त से पहले मिल गए। ईद पेंतेकोस्त वाले दिन जुबानें उतरी थी, पाक रू खुदा यीशु मसीह ने अपने जिंदा होने के बाद पहले दिन ही दे दिया था शागिर्दों को। दैट ब्रॉट कमिटमेंट, खुदा के खुदा से मांगे कि खुदाया अपने रूह से भर मुझे, खुदाया मुझे अपनी कमिटमेंट दे, मुझे हर बंदा मेरी बात एग्जाम में रख ले, हर बंदा पादरी बनने लिए नहीं आया धरती से, हर बंदा एवेंजलिस्ट बनने लिए नहीं आया धरती से। आपकी कॉलिंग फर्क है, आपकी कॉलिंग पहचानो। कुछ को खुदा ने बिजनेसमैन बनने के लिए बनाया, कुछ को खुदा ने डॉक्टर्स बनने के लिए बनाया, कुछ को इंजीनियर्स बनने के लिए बुलाया। हर बंदा कहते मैं पादरी बनना है, स्किल्स ही नहीं है, पढ़ाई नहीं की थी, और जब पढ़ाई करने का वक्त आता है यार तू आसान तरीका मौजूद है, कोई आसान तरीका नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है कि जिंदगी का रास्ता क्या है, सुकड़ा नर इज द पाथ, खुले रास्ते जड़े ने सुते रहना आराम ना, वो रास्ते नहीं आसानी ने, वो कामयाबी के रास्ते नहीं ने, मुश्किल रास्ते कामयाबी के। ऑलवेज अवॉइड ईजी पाथ्स, आसान रास्तों पर चलने की आदत डालेंगे फेलियर की तरफ बढ़ेंगे। फिर इसी में दूसरा पॉइंट, अपनी प्रायोरिटीज को कमिट करें। प्रायोरिटीज क्या है? प्रायोरिटीज बनाएं। अब देखिए एक और बात जो मैंने अभी रिसेंटली सीखी है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, मैं पायलट भी बनना चाहता, मैं डॉक्टर भी बनना चाहता, मैं चाहता मैं कोई इंजीनियर भी बन जावा कुछ हो सके, मैं नाल पादरी जो हो सके बन सका तो बन जावा, नाल मैं बिजनेसमैन भी बड़ा सक्सेसफुल बन जा। नो दैट्स नॉट पॉसिबल, यू डू नॉट हैव टाइम टू डू एवरीथिंग, यू हैव टू प्रायोरिटाइज। अपनी चीजें लिखे कि ये चीजें मुझे 10 चीजें मैं करनी है, और लिखने के बाद भी बहुत सारे लोग नाकाम हो जाते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज दे स्टार्ट फ्रॉम बॉटम, 10वीं से शुरू कर देते हैं। नो, स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये करना शुरू करते हैं सबसे पहले, क्योंकि जब आप 10वीं से शुरू करेंगे तो 24 घंटे खत्म हो जाएंगे, तो 4th-6th तक पहुंचे हो नीचे से। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है देयर लेफ्ट, आपको अपनी जिंदगी में प्रायोरिटाइज करना है कि क्या चीज मैं अचीव करने के लिए मुझे जरूरी है। और आप देख लीजिए कि पीटर ने भी क्या किया था, जनाब पतरस ने प्रायोरिटाइज कर लिया था क्या कि खुदाया
मैं तेरे नाल चलना, उससे पहले इनकार कर चुका हूं। खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील 14वें बाब में लिखा, खुदा यीशु से पूछा कि पतरस तू मुझसे प्यार करता है, पतरस तू मुझसे प्यार करता है, पतरस तू मुझसे, तो फिर मेरी ये पेड़ा चला। ही न्यू दिस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। उससे पहले हम देखते हैं कि वो फिर मछलियां पकड़ टूट गया था, पतरस फिर मछलियां पकड़ने चला गया था, खुदा ने कहा नहीं, ला 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 ला, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट यू टू डू, यू हैव टू प्रायोरिटाइज, बी अ फिशरमैन ऑफ मेन। सो प्रायोरिटाइज करें अपनी क्वालिटीज चीजों। दूसरी बात, करेज बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड, करेज होनी बहुत जरूरी है, करेजस होना बहुत जरूरी है, बहादुर होना। बहादुर वो शख्स नहीं जिसको डर नहीं लगता, बहादुर वो है जो अपने फियर्स को मास्टर कर लेता है। दूसरा तिमुथियस पहली आयत पहला बाप सातवीं आयत में क्या लिखा है, पहला तिमुथियस 1:7, फॉर गॉड हैज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर बट ऑफ पावर एंड ऑफ लव एंड ऑफ साउंड माइंड। खुदा ने हमें खौफ का रूह नहीं दिया, आपको बहादुर होना है। मुझे किसी ने पूछा यार तुम पाकिस्तान नेटिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डर नहीं लगता? नो, मैं कहना मैं कहना करो ले क्या सर, आई वर्ल्ड इतना रिस्क लेना पड़ेगा? हाँ, क्या मैंने बेवकूफों को बिठा दिया उस सारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर? नो, मैंने उस शख्स को देखा जो फुली कमिटेड है बिजनेस के साथ, और उसकी कमिटमेंट का ये लेवल है कि मैं मैनेजर जब हमारा मशीन खराब हुई, ही केम टू ऑफिस ऑन मंडे मॉर्निंग एंड ही वेंट बैक होम थर्सडे नाइट्स। चार दिन वो ऑफिस में था ट्राइंग टू फिक्स द मशीन। दैट्स द कमिटमेंट, दैट्स द कमिटमेंट। और मैंने बेवकूफों वाले फैसले नहीं किए, मैंने उसी बंदे को बिठाया जो डिजर्व करता है उस सीट पे बैठने के लिए। सो हम देखते हैं कि मार्क ट्वेन 19वीं सदी के बड़े बड़े जबरदस्त इंसान थे। ही वॉज लॉट ऑफ थिंग्स, मजाक भी मजाक में भी बहुत उन्होंने नाम किया। उनकी बड़ी जबरदस्त फ्रेज है, उन्होंने कहा डू द थिंग दैट यू फियर एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टेन। वो काम करो जिससे तुम्हें बहुत डर लगता है, जेड़ी चीज तो तुम डरते हो, अगर तुम वो करना शुरू करोगे तो खौफ डेथ। और एक और बात मैंने बड़ी जबरदस्त, विल स्मिथ एक्टर है हॉलीवुड के, उनकी मैं चीज सुन रहा था, स्काई डाइविंग उन्होंने की, तो कहते थे कि मैं ऊपर जाके तो जो मैंने जंप कर रहा सी ना, तो मैं कह मैं की बेवकूफ वाला फैसला कर लिया यार, ना खुलिया फिर पैराशूट तो फिर मैं तो मरल आ गया उसे। कहते लेकिन वो फियर इन्ना ज्यादा सी, लेकिन द मोमेंट ही जंप्ड आउट ऑफ द प्लेन द एंजॉयमेंट वॉज जस्ट अनएक्सप्लेनेबल। बहुत मजा आया, इतना मजा मैं कभी इंजॉय नहीं किया। सो इसका मतलब है कि खौफ के दूसरी तरफ एंजॉयमेंट है, अनएक्सप्लेनेबल जो अनइमेजिनेबल फन। आपने खौफ को काबू करना सीखा। खुदा ने योशुआ से क्या कहा था, बी करेजस, बी करेजस, बहादुर हो, मैं तेरे नाल, ठीक है। लास्ट, ये बड़ी जबरदस्त पॉइंट आपको बता रहे हो, आखिरी नुकता है इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा बातें भी कर सकते, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि हम इसको आखिरी नुकते पे लाके मैं इसको खत्म करूं। आखिरी नुकता है सेंस ऑफ अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी। क्या मतलब है कि आपको हर किसी भी चीज की अर्जेंसी का एहसास होना चाहिए, ये बड़ा जल्दी होने वाला है, होने वाला है, उन्हें छेती करना, छेती राइट नाउ, राइट नाउ, जो काम कल का करना है वो आज कर ले। हमारे उर्दू में बड़ी जबरदस्त कहावत कहते हैं, आज का काम कल पे मत कर, जो कल काम कर रहे हैं वो आज कर लो, जो आज कर रहे हैं वो अभी अभी। सेंस ऑफ अर्जेंसी, खुदा का काम बड़ी जबरदस्त मिसाल देता है इसका। तोड़ा की ख्याल है कि खुदा भी इसमें से झूठ बोल रहे, तो कैसे मैं छेती जा रहे देखो, he was implying 2000 साल गुजर गए, इंतकाल तो कोई नहीं, फिर क्या, फिर का भी अर्जेंसी, अर्जेंसी है। ये वही लोग थे जिनको सेंस ऑफ अर्जेंसी थी, जिसकी वजह से आप चर्च दुनिया का सबसे बड़ा चर्च,
सबसे ज्यादा दुनिया में मौजूद लोगों की तादाद क्रिश्चियंस है जो 1 फीट 47। और ये वही लोग थे जिनको सेंस ऑफ अर्जेंसी थी, पत्रस को सेंस ऑफ अर्जेंसी, पौलुस को सेंस ऑफ अर्जेंसी थी, खुदा यीशु मसीह को भी सेंस ऑफ अर्जेंसी थी। खुदा यीशु मसीह को तो पता था कि 2000 साल बाद आना है, या हो सकता है अभी भी 100 साल और उसे, हो सकता है कल आ रहा है। सेंस ऑफ अर्जेंसी क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास वक्त कम है, जल्दी, हमें जल्दी अचीव करना है। अगर आप उस सेंस ऑफ अर्जेंसी को नहीं समझते तो आप परेशान होंगे। और आपको पता है कि सिर्फ 2% लोग हैं दुनिया में जिनको रियली सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है। वो कहते हैं कि नहीं, मेरे कस्टमर का ईमेल आई है, मुझे भी रिस्पॉन्ड करना है, मेरा असाइनमेंट सबमिट होना है, मैंने पर्चा को कह रहा था तुझे असाइनमेंट महीना पहले बंद करा दो। सेंस ऑफ अर्जेंसी, लास्ट हफ्ता बहुत तकलीफ दे हो रहे, बहुत तकलीफ दे हो रहे, खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है सेंस ऑफ अर्जेंसी। और क्यों? क्योंकि लिखा है कि मजदूर फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े, मजदूर इकट्ठे कर रहे हैं, खेती करो खेती, फसल बहुत बढ़नी है, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। खुदा ने ये सुबह से क्या रहे ताकि नंबर पूरा कर, ज्यादा खेती बुलाना पड़े। मुझे बड़ी जबरदस्त बात याद आ रही है, खुदा के खादिम थे मूडी, डीएल मूडी सर। तो डीएल मूडी कहते हैं कि मैंने खुदा से एक दिन वादा किया कि खुदाया मैं रोज तेरा कलाम किसी न किसी शख्स को जरूर सुनाऊंगा, किसी नए शख्स को मैं तेरा कलाम जरूर सुनाऊंगा रोज, ये मैंने वादा किया। तो कहते हैं कि एक दिन मैं घर आया, वो काम करते थे, यूट्यूबर फुल टाइम। कहते मैं घर आया तो बारिश हो रही थी बहुत, कहते मैं घर आया तो मैं आके बिस्तर में बड़ा मजे से लेटा था, मुझे याद आया आज मैं खुदा का कलाम किसी ने शेयर नहीं किया। तो कहते ने मैनू होया यार बारिश हो रही है बार, कौन हो गया सुबह किनू जाके कलाम सुना। कहते नहीं, फिर मुझे आया किनू, उन्हीं का कॉल है। कहते हैं कि अगर मुझे लंदन से लेकर स्कॉटलैंड तक अपनी कोनियों पर रगड़ के जाना पड़े और उसके बदले में मैं एक सोल, सिर्फ एक शख्स को दोजख से बचा लूं तो वो वर्थ है। वो शख्स कहता है कि मैं गर्म बिस्तर से निकला, ठंड से, सर्दी से, लेकिन मैं बाहर निकल के मैं कही और मैं क्यों खुदाया इस टाइम मैं क्यों कलाम सुनाऊंगा, लेकिन फिर मुझे आया कि मैंने वादा किया वो खुदा से। कहते हैं मैं निकला हुआ है, छतरी कोई नहीं सी, मैं क्या खुदा है बारिश हो रही है छतरी भी कोई नहीं। कहते मैं अच्छा चलो कोई नहीं। कहते मैं बाहर में, कहते एक शख्स जा रहे सी छतरी लै, कहते मैं दौड़ कोई छतरी थे, कहते मैं इजाजत, कहते तू कितने जा रहे, कहते मैं कम जा रहे, कहते तू डू यू आर यू से अगर ये अज रात तेरी डेथ हो जाए तू कितने जाएगा। कहते यार तू मेरी छतरी थे ले आया, तू मेनू कहीं गल सुना दे। कहते नहीं मैं तेनों दसना सिर्फ ये चाह रहा कि तेनों पता है कि यीशु दे सिवा कोई निजात का रास्ता नहीं, कोई निजात का रास्ता नहीं सिवाए यीशु दे। सो अगर तू सेफ नहीं तो तेनों यीशु कहते यार मैं नहीं कर रहा। कहते नहीं तू मेरी छतरी तो निकल, कहते मैं निकल जावा लेकिन तू पहले दस के तू मेरी गल रजिस्टर किया, मैं चाह रहा कि तेनों मैं दस दिया कि यीशु दे सिवा। कहते यार तू कैसा ढीठ आदमी, तू डीएल मूडी दे ने। कहते यस मैं डीएल मूडी। He had that reputation, sense of urgency. उन्हें एहसास है अपने वादे का कि अज ये शख्स राती फौत हो गया और इन्हें मैं ना सुनाया था तो मेरे सिर पे पैर। हमारे सब के लिए बड़ा जरूरी है कि हम कि खुदा के कलाम को ध्यान से सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ सुनाएं। और आखिरी बात के साथ खत्म करूंगा कि खुदा यीशु मसीह ने कहा I am the way, the truth and the life. मुझे कल रात को भी कोई पूछ रहा था कि जेड़े बाकी लोग ने उन्होंने की होगा दो जगह से जाएंगे। मैं कि यार मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि यीशु पे ईमान रखने वाला शख्स जन्नत में जाएगा, उस पर दो जख हराम है, बाकी का की होगा वो फैसला खुदा दे, वो खुदा नु करन दे। I don't want to be God. आप खुदा का कलाम
दोस्त किसी के नबी पे, किसी के प्रॉफिट पे, किसी की किताब पे, किसी पे कुछ बात करें, आप सच दे दें और वो सच को काम करें। That's all. God bless you.